Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Viewers, welcome to StudyHub. In today's video lecture, I will discuss with you about senior editor's most important and most asked interview questions by FPSC interview panel. Viewers, आज के video lecture में हम discuss करेंगे senior editors के जो most important और most asked interview questions हैं, जो FPSC की तरफ से interview panel में जो different candidates से ये क्वेश्चंस किए गए हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीट उन क्वेश्चंस के ऊपर होगी, उनको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ टाइमली आप तक पहुँच सकें। सो व्यूअर्स, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ टॉपिक विच इज़ सीनियर एडिटर्स मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस by FPSC interview panel. So let's get started. Question number 1 है हमारे पास fundamental of accounting, accounting principle, debit credit rules, accounting cycle और financial statements. ये question पूछे गए हैं senior editor के interview में। Question number 2 है accounting ratios पूछा गया है। Question number 3 में जो है cost accounting से related पूछा गया है। Viewers, cost accounting की definition, cost accounting होती क्या है, इससे रिलेटेड पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में व्यूअर्स जो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक का जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनके बारे में पूछा गया है सीनियर एडिटर के इंटरव्यू क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 5 में बिजनेस फाइनेंस के बारे में पूछा गया है, उसके साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पूछा गया है। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में जो है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किए गए हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये पूछा गया है इंटरव्यू पैनल की जानिब से सीनियर एडिटर में इंटरव्यू जो अपीयर हुए थे कैंडिडेट्स उनको। उसके साथ साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज़ इंटेंजिबल एसेट एंड मेजर ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल, ये पूछे गए हैं ऑब्वियस। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ एक और चीज़ कि जो ऑलमोस्ट जो है तमाम क्वेश्चन को हमने कवर किया हुआ है, सीनियर एडिटर्स की जो तमाम वीडियोज़ जो हैं वो इसी चैनल पर मौजूद हैं। सो जो व्यूअर्स नए हैं चैनल पर विजिट करें, आपको तमाम जो ऑडिट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस जो मिलेंगी और आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी हो सकेगी। जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन रीड आउट किया कि व्हाट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स एंड मेजर ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है कि इंटेंजिबल एसेट्स को कैसे जो है उनको अमोटाइज़ किया जाता है, उनकी कैसे जो गुडविल उनकी वैल्यूएशन की जाती है, एग्जाम्पल्स के साथ जो है इसी चैनल पर ये वीडियो मौजूद है। सो व्यूअर्स, आपने वो वीडियो भी देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्यूटीज़ ऑफ सीनियर एडिटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिक्विडिटी कैपिटल रेशियो के बारे में पूछा गया है व्यूअर्स। देन क्वेश्चन नंबर 11 में डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 में जो है गैप के बारे में पूछा गया है व्यूअर्स के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उनके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट इज़ फाइनेंशियल ऑडिट, ये पूछा गया है सीनियर एडिटर्स के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं एफपीएससी की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने कलेक्ट किया है इसमें जो इंटरनल कंट्रोल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो व्यूअर्स पूछा गया है किबला बिफोर काबा, इसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में की फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मींस व्यूअर्स जहाँ पे कि जिस डिपार्टमेंट में आप ये पोस्ट होगी सीनियर एडिटर की उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वो पूछ सकते हैं। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे कि पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स भी हो सकता है, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स भी हो सकता है, AGPR भी हो सकता है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यूज। सो की फंक्शंस ऑफ उस डिपार्टमेंट, रेलिवेंट डिपार्टमेंट के आपने देख लेने हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 17 है एंट्री ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये पूछा गया है। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है ये भी पूछा गया है। उसके साथ साथ ऑडिट कंट्रोल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में 20 में टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। और उसके साथ साथ जो है माइक्रो फाइनेंस एंड सिंपल फाइनेंस के बारे में भी पूछा गया है। ये जो हमारी कलेक्शन है 21 नंबर क्वेश्चन सीनियर एडिटर्स के जो मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो है 22 में हमारे पास जो है क्वेश्चन पाकिस्तान फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूछा गया। उसके बाद जो है व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 23 में CGA एंड PAC के बारे में पूछा गया है, इनकी एब्रिविएशंस हैं। उसके साथ साथ बजट के बारे में क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में कैश अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट डिफरेंस कैंडिडेट से पूछा गया है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 26 में ट्रेड डिस्काउंट ट्रीटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 में डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल शोज है, SAP जो एब्रिविएशन है इसके बारे में पूछा गया और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में पूछा गया है। व्यूअर्स, एक मतलब फिर बता दूँ कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं या FPSC के इंटरव्यू पैनल्स की तरफ से जो है डिफरेंट जो कैंडिडेट सीनियर एडिटर के इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे और उसमें जो है उनसे वे पूछे गए हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, इसमें CGA भी है, AGPR भी है, पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स भी है। तो ये कलेक्शन करके हम जो है आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। व्यूअर्स, अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड मजीद वीडियोस भी आप तक टाइमली आ सकें। और नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइफो एंड लाइफो का जो मेथड है उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड के बारे में क्वेश्चन किया गया है। नेक्स्ट जो है डेफर्ड टैक्स के बारे में पूछा गया है, डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में पूछा गया है। देन 33 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ स्टेट बैंक रेट अफेक्ट इकोनॉमी, इसके बारे में पूछा गया है। पॉलिसी रेट, इन्फ्लेशन रेट, इनके बारे में व्यूअर्स आपने रीड आउट कर लेना है। स्टैट्यूटरी ऑडिट की टाइप्स के बारे में पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स के बारे में भी व्यूअर्स ये क्वेश्चन किए गए हैं। सो इसके साथ साथ जो है व्यूअर्स हाउ इंटेंजिबल एसेट्स आर वैल्यूड, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है और ये पूछे गए हैं। के साथ जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा गया है। वर्किंग कैपिटल प्रिंसिपल एरर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरव्यू में। एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन के बारे में पूछा गया है। रियलाइजेशन एंड मटेरियलिटी कंसेप्ट के बारे में पूछा गया है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है व्यूअर्स ये भी पूछा गया है। कंपनसेटिंग एरर्स और सेलिंग ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स डिक्रीज विच कॉस्ट, के जब आप सेल करते हैं स्पॉइल्ड गुड्स को तो कौन सी कॉस्ट जो है डिक्रीज होती है, इसके बारे में व्यूअर्स पूछा गया है। अगेन व्यूअर्स मैं आप एक चीज़ और यहाँ पे आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमने ऑलमोस्ट जो है तमाम टॉपिक्स को कवर भी किया हुआ है। इसी चैनल पर आपको जो है तमाम वीडियोस मिलेंगी भी, और जो आप अगर समझते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप चाहते हैं और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वीडियो बनाकर प्रॉपर उसको शेयर किया जाए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में वो बता दीजिएगा, ताकि जो है नेक्स्ट उसके ऊपर हम वीडियोज़ बनाएँ ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सीनियर एडिटर मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 45 है ऑडिट प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 46 में व्यूअर्स से पूछा गया है मर्जर एंड अमालगमेशन के बारे में पूछा गया है, इनका डिफरेंस क्या होता है और इसके बारे में व्यूअर्स से पूछा गया था। जो व्यूअर्स ये थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने कलेक्शन की थी मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस एफपीएससी की तरफ से, जो डिफरेंट सीनियर एडिटर्स के कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे उनसे जो क्वेश्चन किए गए थे हमने कलेक्शन आपके साथ शेयर किया है। व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, please subscribe the channel for more updates and stay connected. Thank you so much.